वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आपके कहने इधर व्लॉग के अंदर। सबसे पहले रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा मुबारक हो। तो अभी त्यार शार हो के जुम्मे पे जा रहे हैं, तो ग्राउंड आया था तो इसको उठाने आया था। ये मस्त गुड़े शुडे उड़ा रहा है, कोई रोज़ों का एहतराम वगैरह नहीं। भाई चले किधर जुम्मा पढ़ने? जी बिल्कुल। तो ये हाथ में क्या, ये लेके जाएंगे? नहीं, ये अभी उड़ाते हैं ना। उड़ाओ ज़रा, फिर अभी टाइम तो है। उड़ाओ 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 उड़ाओ। अच्छा, तो अभी क्या नाम है, गुड़े शुड़े उड़ा रहे हैं भाई। तो अभी जुम्मे में काफ़ी टाइम है, वो जल्दी त्यार श्यार हो गए। हम सोचे धूप शूप लगा लें, मौसम काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है। तो ये तो मौसम नहीं है, तो ये देख हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। वो गुड़े शुड़े उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम भी फिर जुम्मे पर जा रहे हैं, तो जुम्मे के बाद इसको हमने छोड़ने जाना है इसके घर, ठीक है। क्योंकि शैतान को अपने घर पहुंचा देना चाहिए। बहुत वैसे तो लेट हो गए, चार दिन हो गए शैतान आज़ाद घूम रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, लेट सही, लेकिन इसको अपने ना घर पहुंचा देंगे। घर चले जाएंगे ना आप अपने, कैद कर देंगे बाबा? बिल्कुल ना, हाँ कोई बात नहीं, खर्चे खर्चे इसको दे के भेज देंगे सारा कुछ। मैं पे जा ही रहे थे तो सोचा मामू को भी साथ ले जाए, उनके पास बाइक है तो बाइक पर चले जाएंगे। उनको कॉल करता हूँ। अभी रिंग तो जा रही है। हाँ मिया मामा, कह ले बार आप, मैं बाहर खा ला। कह रहे बस थोड़ी देर तक निकलता हूँ, आपको ना रास्ते में पिक कर लूँगा, फिर चलते हैं जुम्मा पढ़ने। फाइनली मामू आ गए हमारे, ठीक है। तो बैठो 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 बैठो, जुम्मे पे लेके जा रहे हैं। तो मामू कह जाते थे हाँ मोमेंट्स लेटर। फाइनली तो जुम्मा वगैरह पढ़ लिया, अभी घर जा रहे हैं। मामू हमें घर ड्रॉप करेंगे, उसके बाद हमने शैतान को छोड़ने जाना है इसके घर पे। चलोगे शैतान हमारे साथ? तो घर जाके आपको मिलते हैं। तो निकल पड़े हैं घर से भाई। भाई ने अपना बोरी बिस्तरा चुक लिया, दिल तो कर रहा है कि मैं भी उठा लूँ इसका, लेकिन फिर दिल करता है यार नहीं, एहसान नहीं करना। बेशक रमज़ान हो, एहसान वगैरह नहीं करना, क्योंकि कहते हैं बच्चे होते हैं ना एहसान फरमोश होते हैं। बात तो सही है, इन पे एहसान करना यानी कि किसी और पे एहसान करना, बिल्कुल भूल जाते हैं एहसान। बैठ गए जी स्टॉप पे, भाई भी बैठ गया हमारे साथ। सैम भाई किधर? क्यों घर जा रहे हैं? अकेले नहीं जा सकते, मुझे लाजमी है। आप जा सकते हो लेकिन आप फ्री का फिक्स हो रहे? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। ये बहुत ही बुनियार बच्चे हैं कसम से, इन्होंने अपने अभी पेपर्स ख़त्म किए हैं, तो मुझे कहते हैं कि मुझे घर छोड़ो। तो अभी किसी को घर छोड़ने जा रहा हूँ, इन्होंने जो किले फतेह करने थे पता चल जाएगा 31 मार्च को, बताऊँगा आपको। तो बस से उतर गए हैं, सही है भाई की बहुत ही बुरी हालत है, ठीक है। बैग शैग उठा के बिल्कुल, ये तो मेट्रो में सो ही गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, सामने गाड़ी है, उस गाड़ी में बैठते हैं। थोड़ा घर दूर है तो चला नहीं जाता रोज़ी की हालत में। अभी जा रहे हैं हम उस गाड़ी में बैठने, उस गाड़ी में तो नहीं बैठे क्योंकि उसमें काफ़ी रश था, तो हमने कहा पैदल ही चलते हैं क्योंकि रोज़े का टाइम थोड़ा गुजर जाएगा। बिल्कुल ही भाई आ रहे अपनी मौज मस्ती में है। भाई मैं उठा लूँ बैग? मैं तो नहीं उठाने वाला, मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। अभी हम जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा बच्चा है, बिल्कुल भी मुझे उसने ना तंग नहीं किया, पूरे रास्ते में से ना बैग उठा दिया, बहुत ही अच्छा बच्चा। इस तरह बच्चे ना अल्लाह किसी को है, और ऐसे
सैम भाई भी हर किसी को दे। अभी जा रहे घर पहुंच के आपको मिलते हैं। घर पहुंच गए, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं यार। बैग उठा उठा के रास्ते में बहुत दफ़ा बैग उठाया, भाई ने तो बिल्कुल उठाया ही नहीं है। इन भाई को मैंने कॉल की थी, मैंने कह रहा हमें लेने आ जाओ, कहता यार नहीं नहीं लेके जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अरे हाय हाय, यहाँ पे मैं व्लॉग को कर रहा हूँ एंड, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।